सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और उससे जुड़ी पौराणिक कथा। क्या आप जानते हैं कि अगर भगवान शिव चंद्रमा को श्राप मुक्त नहीं करते तो चंद्रमा अपनी चमक हमेशा के लिए खो देता। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की, और ये वही मंदिर है जो कई युद्धों में 17 बार टूटने के बाद भी आज उसी स्थान पर गर्व और महिमा के साथ खड़ा हुआ है। तो चलिए जानते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा के बारे में। चंद्रमा का विवाह राजा दक्ष की 27 पुत्रियों के साथ हुआ था। इन 27 रानियों में से रोहिणी नामक रानी अत्यंत सुंदर थी, इसलिए चंद्रमा उनका विशेष ध्यान रखते थे और बाकी 26 रानियों पर ध्यान नहीं देते थे। चंद्रमा के इस व्यवहार से उनकी बाकी 26 रानियां काफ़ी परेशान रहती थीं, इसलिए उन्होंने इस बारे में अपने पिता राजा दक्ष को जाकर के बताया। यह सुनने के बाद राजा दक्ष काफ़ी चिंतित हुए और उन्होंने चंद्रमा को समझाने की कोशिश करी। राजा दक्ष ने चंद्रमा को समझाया कि आपकी 27 रानियां हैं, इसलिए आप हर किसी के साथ समान व्यवहार करें, ना कि किसी एक पर विशेष ध्यान दें। चंद्रमा ने राजा दक्ष की बात सुनी तो सही, किंतु इसके बाद भी वह रोहिणी का ही विशेष ध्यान रखते थे और रोहिणी से ही प्रेम करते थे। राजा दक्ष को जब इस बारे में पुनः पता चला तब वह अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि हे चंद्रमा, आपको अपनी जिस सुंदरता और चमक पर गर्व है वो दिन प्रतिदिन कम होती चली जाएगी और आपकी चमक खत्म हो जाएगी। इस श्राप से चंद्रमा ने अपनी चमक खोनी शुरू कर दी और वह काफ़ी चिंतित हो गए। इस श्राप से मुक्त होने के लिए चंद्रमा ब्रह्मा जी के पास इसके उपाय के लिए गए। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा से कहा कि आप प्रभास तीर्थ पर जाकर के भगवान शिव की पूजा आराधना करें। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने प्रभास तीर्थ पर जाकर के भगवान शिव की पूजा आराधना शुरू कर दी। चंद्रमा की महान तपस्या और भक्ति को देख करके भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रमा को इसी स्थान पर दर्शन दिए। भगवान शिव ने चंद्रमा को आशीर्वाद दिया और उन्हें इस श्राप से मुक्त भी किया, और तब से भगवान शिव इस स्थान पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तब से इस स्थान पर भगवान शिव की सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा होती आ रही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रमा ने इस स्थान पर सोने के मंदिर का निर्माण किया था। उसके बाद रावण ने यहाँ पर चांदी का मंदिर बनवाया था और श्री कृष्ण ने इस मंदिर का निर्माण चंदन की लकड़ियों से किया था। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है और ये गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। इतिहास के अनुसार इस मंदिर को महमूद गजनवी, औरंगजेब जैसे विभिन्न आक्रमणकारियों ने 17 बार नष्ट किया है। उन्होंने न केवल इस मंदिर को नष्ट किया बल्कि इस मंदिर में खूब लूट भी मचाई, लेकिन हर बार हिंदू राजाओं ने इस मंदिर का पुनः निर्माण किया और इसकी महिमा और गौरव को बनाए रखा। आज जो हम सोमनाथ मंदिर देख रहे हैं, इसका निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा करवाया गया था। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है और ये है सोमनाथ मंदिर के आरती के दर्शन। ओम नमः शिवाय।